चलना नहीं है, चलना है। मौसम बड़ा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है, पत्ते हिलते हुए देखें कितने प्यारे लगते हैं। यस, मैं देख रही थी यहाँ पर भी एक फूल निकल आया है। हाँ, नीचे भी निकल आया। ये देखते हैं, बिल्कुल ये अभी तो निकलेंगे बहुत। और हम तैयार हुए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं आसिम से मिलने, और मुजीब जाते जाते फ्रूट ना लेते जाएं। ठीक है, तो बिल्कुल। पहले मैंने सोचा था कि कोई मिठाई वगैरह ले लें, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, कोई हेल्दी चीज लेनी चाहिए, बेटर ऑप्शन। हाँ, कहाँ से लें? और फतेह से ले लेते हैं, कोई अच्छी शॉप से। हाँ ठीक है, तो जी चले चलते हैं, आसिम मामू से मिलते हैं, वहाँ गपशप लगाते हैं, एक कप चाय पीते हैं और आते हैं वापस। तो चलें जी, चलते हैं आसिम मामू की तरफ। धूप काफ़ी है और ओहो गाड़ी काफ़ी गर्म हो रही है। मेरे ख्याल में 5 मिनट के लिए कोई एसी शेसी लगाते हैं, ताकि जो वो धूप में खड़े रहने की वजह से इतनी गर्म हो रही है ना गाड़ी, ऑनेस्टली कि बैठना मुश्किल हो रहा है। और मुझे तो ये डर लग रहा है कि अब जून जुलाई में क्या सूरत हाल होगी। तो चलें चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं अल फतेह ग्रोसरी, लेते हैं फ्रूट्स। ये सारे फ्रूट्स हैं अवेलेबल। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तो इसमें से अभी चूज करते हैं कुछ और लेके जाते हैं आसिम मामू के लिए। ये कौन सी है? कोई चेरीज टाइप। ये ले लेते हैं एक स्ट्रॉबेरीज का, और कुछ एप्पल्स ले लेते हैं, और कुछ ऑरेंजेस ले लेते हैं। यस ठीक है, ये ले लिए आसिम के लिए एप्पल्स, साथ अपने लिए मैंने ये मीठी इमली। ओके, स्ट्रॉबेरी ले लिया, स्ट्रॉबेरी है ना, और ये बनानास ले लिए। ओके, और ये खानपुर के, ये खानपुर वाले हैं, और ये चले चलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। कैसी आप, इतनी फ्रेश लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू, तुम भी अच्छी लग रही हो। चले भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कौन ये कोई स्ट्रेंजर सा आया होगा घर में? नहीं तो ये मैंने तो बालों का भी पीछे पड़ी हुई हूँ कि वो भी हेयर कट वापस वैसा ही हो। अच्छा ना, मेरा नहीं, ये भाभी ये बाल बाल अच्छे लगते हैं। नहीं, ये बाल अच्छे लगते हैं, बुरे तो नहीं लगते है ना। दाढ़ी भी बढ़ जाएगी। दाढ़ी तो दोबारा से वही रखनी है, बुक्ति बुक्ति स्टाइल। अंजुम तुम कुछ कह रही थी। मैं यही कह रही थी, मैंने कहा सारे सब लोगों ने बड़ी तारीफ की थी ना आसिम की प्रीवियस लुक की। हाँ, तो अभी भी बताए कि कैसे लग रहे। मेरी भाई उस तरह सीधी आती नहीं है, मेरी उल्टी उस तरह से। हाँ तो अच्छा है ना, हर एक की अपनी अपनी ग्रोथ अपने राइट, राइट। तो मेरी ग्रोथ ही वो है बालों की। अब बुक्ति स्टाइल जी, वो खुद खुद बन जाता है ना। मैं तो नहीं बनाता ना। हाँ बिल्कुल, ये राइट, खुद बनती है, खुद ही बनती है, बालों ने जाना उधर ही जाना। और अभी हमें पहुंचे हुए 5 मिनट हुए नहीं है कि भाभी साइमा ने तकल्लुफात स्टार्ट कर दी, कयामत आम शुरू कर दी। ओ दिस इज कैरेट केक है ना। ओ यस, सैंडविचेस यहाँ से तो कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, साइमा डू यू नीड एनी हेल्प?
आपा बिल्कुल भी नहीं, आपा आप स्टार्ट करें ना, मैं चाय रखती हूँ। आज आपको मेरे हाथ की चाय। हाउस वाइफ। चलिए फिर मैं दुपट्टा ले लूँ। ठीक है। और कैसे जा रहा है आपा? वही जो आप इमली लाई है ना। हाँ। ये बचपन में ना, ये वैसे इतनी खट्टी नहीं थी जो आप लाई है, ये तो मीठी वाली इमली, ये थोड़ी सी मीठी, वो जो आप उनका आइडिया था ना कि खजूर और इमली मिक्स करके बचपन में स्कूल में। हाँ। हाँ, वो थोड़ा सा ज्यादा जरा मीठी उसको कर लिया जाता था इमली। हाँ। तो हम लोग भी आप बचपन में ना, हमारे वो एक उस वक्त फ्राइडे की छुट्टी होती हुआ करती थी। हाँ, हाँ। तो थर्सडे को हमारी कॉलोनी में जो वो क्लब होता था, तो सारी आंटियां जो है ना वो उस वक्त VCR वगैरह हर घर में नहीं होते। हाँ, हाँ, एक क्लब में होता था बड़ा टीवी मिल के बैठ के देख। हाँ, तो सब एक हमारी आंटी होती थी, तो वो अम्मी की फ्रेंड, और वहाँ कॉलोनी में सारी क्लब की जो होती थी इंचार्ज। हाँ, तो हर थर्सडे को ना एक इंडिया की मूवी लगती होती थी क्लब। अच्छा। शाम को इवनिंग वो वुमेन एंड गर्ल्स, तो हमने वो मूवी देखने से पहले ना, अच्छा हमने मूवी देखने के लिए ना पड़ी हमको मूवी लगनी है। अच्छा। तो हम लोग सारे क्या करती थी, सारी जो लड़कियां हैं आंटियां सारे ऊपर सोफों पे बैठते थे, हम लोग नीचे एक रग बिछा होता उसमें मूवी देखने, हम 2 रुपए 5 रुपए की इमली लेके आते होते थे। अच्छा। और मूवी देखते हुए, और वो इतनी खट्टी होती और वो इतना मजा आता था, बहुत मजा आता था, वो बड़ी मजे की एक्टिविटी होती थी। बाप, ये वाले समोसे वो है वेजी, वो मैंने ये वेजी है वेजी। और साथ इनकी ये एक चटनी होती है, बहुत यम्मी, यस वेरी नाइस, बहुत मजे की होती है। और वो इन समोसों को तोड़ के उसके अंदर डाल के फिर खानी होती है। कैसे बनाएंगे मैडम? तोड़े उसके ऊपर ग्रीन चटनी, चाय रख के बस आ रही हूँ, उनको तोड़े थोड़ा थोड़ा ग्रीन चटनी डालें और बाजी जो डालनी है तो मर्जी है, तो ना डालें और खाएं, मजा आएगा आपको। But just break it first. इसके अंदर आपको ग्रीन चटनी डालना है। मेरा प्लान था कि मैं वो दूसरा वो चिकन बोट वगैरह ले आता आपके लिए। मैं कुछ गरम कर दूँ ये समोसा, ये इस तरह साइयो खाओ, बड़ा मजा का। जी ले ले। अबे मुझसे उतनी क्लियर नहीं वीडियो बन रही है, शायद मेरी आईसाइट वीक है। जी मैं आपको स्पून भी चाहिए या फोर्क? ठीक है, अब देखो मैं अपनी बीवी की बनाने लगा था, तो आपने बनाए? नहीं मेरी बनाती है, बिल्कुल से बनाओ नहीं। ये ले जी, ये आपकी बीवी की, हमेशा बनाता हूँ शादियों पे भी कहीं जाता हूँ तो मेरी पिक्चर, जब मेरी प्लेट फुल होती है ना, जब मेरी प्लेट फुल होती है ना जब, और मैं बस चुप करके किसी को आगे पीछे देख नहीं रही होती, बस खाने पे कॉन्सेंट्रेट, उस वक्त हमेशा होता है कि तुम्हारी पिक्चर ना लूं। मैंने कहा कभी किसी अच्छे टाइम में भी ले लिया करूं। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि जो बेटे हैं बेटे माओ के लाडले होते हैं, और जो बेटियां हैं वो बाप के करीब होती है। ये आ गई जी चाय। चाय गुड। अच्छा, चाय तो हमारे घर की मशहूर है। मुझे वो आपने पहले एक समोसा खाया नहीं है? छोटे छोटे समोसे। अच्छा चले, मैंने कहा हैवी ना हो जाए। नहीं नहीं, वो छोटे प्लेट तो पहले ही थी। नहीं आपा, आप साफ प्लेट में लेना केक। नहीं नहीं, वो तो मैं वैसे ही ले लेती, आप ऐसे ही में मतलब आपके लिए केक थोड़ा सा आप भी ले लें, बिल्कुल जस्ट कप बहुत प्यारा है, वेरी ब्यूटीफुल कप जी, ये मैं नई लाई हूँ। अच्छा, मैंने वो टी कप्स, मेरे मुझे ये मग्स अच्छे लगते हैं, मैंने कहा आपको भी पसंद है यार। नहीं मैं सोच रही थी कि मैं वो लेकर आती कोल्ले, जो गांव में होते हैं, और हल्की सी सौंफ और गुड़ वाली चाय उसमें पिया कर, मट्टी के वो मैं लाया, नहीं ऐसे मट्टी के नहीं चीनी के, लेकिन गोल नहीं, एक तो बिल्कुल ही मट्टी के होते हैं ना, मैं वो नहीं हूँ, बेशक ये मटेरियल लेकिन उसमें हैंडल ना हो, वो गोल कौलियां हो, वो भी इस तरह का। अच्छा, वो ट्रेडिशनल थे, उनमें पानी भी ठंडा रहता है। आपके लिए एलोवेरा मैं नेक्स्ट टाइम ले आऊंगी। हाँ, वो मैं भी ना, मैं सोच रही हूँ कि आप जब देंगी ना तो ऊपर गमलों में रख के ना कुछ चीजें, वो मेरे ख्याल में तो डायरेक्ट लग जाता है ना, डायरेक्ट लग जाएगा ना, गमलों में रख लेंगे या बाहर लगवा दूंगी, और इट इज वेरी यूजफुल, नींबू सबज मिर्च, हाँ इस तरह की चीजें तो हर घर में होनी चाहिए, धनिया पुदीना, लेमन जहाँ प्लांट हो ना वजन, उसकी स्मेल बड़ी अच्छी आती है, उसकी जो उसकी जो ब्लॉसम है ना जी, उसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है। अब और आपका ना, मैं वो एक जगह कहीं किसी एक मैगजीन में, होम डेकोर जो मैगजीन होती है उसमें पढ़ रही थी,
कि जो लोगों का रूफ टॉप में भी अगर रखना चाहें या अगर किसी का कोई स्मॉल गार्डन है, तो आप अगर फैंसी चेयर्स नहीं खरीदना चाहते, आजकल आपको पता है काफी गार्डन चेयर्स भी एक्सपेंसिव हैं टेबल्स, तो आप एक सीमेंट का जो स्लैब सा है उसको चकोर सा या उसका वो बनवा लें लाइक अ चेयर या बेंच, और सामने ही सीमेंट का या ईंटों का इसी तरह एक छोटा सा एग्जैक्टली टेबल बनवा लें। मैं एग्जैक्टली यही सोच रही थी, और मैं सोच रही थी जो बल्ब लगाऊं वहां पे जी, उसको वो लैंटर्न शेप लैंटर्न कर हो, बेशक इलेक्ट्रिसिटी वाला बल्ब बेंच और टेबल होगा, आप इसको पेंट कर लें आम वुडन ब्राउन कर लें तो वो थोड़ा सा वुडन और अच्छा लगेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही हूं, एक्सपेंसिव भी नहीं होगा। सही आपा, आमना का वो क्या हाल है? आमना साद मरियम जैन ठीक है, आमना तो आजकल एलए गई हुई है। अच्छा, हाँ, उसके ससुराल के जो मतलब उसकी खाला सास हैं जी जी, उनकी बेटी की शादी है। ओ अच्छा, तो 10 छुट्टियां हैं उसकी। हाँ, अच्छा है, थोड़ा सा इनको भी ब्रेक मिला काम से और इस तरह। बड़ी खुश थी और बड़ा अपना She was looking forward to it, और मरियम भी ठीक है बिल्कुल। हाँ, मरियम जैन की एनिवर्सरी की आपको बहुत मुबारक हो, और इब्राहिम भी गया हुआ है। इब्राहिम भी गया हुआ है, बल्कि उसका भी एक फर्स्ट ही समझ ले कि इस तरह से घर से बाहर वेकेशन पे उसका ट्रिप है पेरेंट्स के साथ। हाँ, पेरेंट्स के साथ, तो आई एम श्योर पूरी फैमिली को बड़ा, और उनकी नानी भी गई है या ये लोग खुद गए? अच्छा, नानी को 10 days के लिए ऑफ है। अच्छा, ओके, उसके बाद फिर ये इब्राहिम एंड मामा पापा। हाँ, मैं कह रही थी कि जो शादी अभी आनी है अटेंड करनी है, उसके क्लिप्स वगैरह भेजेगी तो वो भी फिर व्लॉग में लगाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। तो साइमा, आपने कभी आप आए, हम मैंने और आपने मिलके कोई एक व्लॉग बनाना था, आपको याद है? अब कुकिंग का तो ना बनवाए। नहीं, कुकिंग का नहीं, हम कोई और बना लेंगे, हम कोई हाँ इजी सा रख लेंगे, कोई चैलेंज कर लेंगे, गोलगप्पा। आगे अभी आ रहा है ना मौसम, ऐसे चाट खाने वाला, ठीक है, खट्टी मीठी चाट खाने का गोलगप्पा चैलेंज रख सकते हैं हम, ये कर लेंगे। ठीक है, फिर आऊंगी इंशाल्लाह। एक्चुअली मैंने गाजर का हलवा चखा भाभी, वो बस आपने बाकी चीजें इतनी खिला दी हैं, थोड़ा सा चीनी का। हाँ, नहीं अच्छा है जी भाई, अपना सेहत का तो ख्याल रखना चाहिए ऑलवेज। बस ऐसे चल भाई, वाह भाई वाह, ये देखे आसिम मामू के घर के बाहर का व्यू, ओ माय गॉड, अमेजिंग यार। यहाँ पर इतनी खुली जगह है, और मैं अगर हूँ तो मैं यहाँ पर ही रनिंग किया करूँ। ये सामने पार्क है, वो और आपको नजर नहीं आ रहा अभी लाइट्स, लंबे लंबे अगर आप सांस लें ना यहाँ पे, हाँ, इट्स फ्रेश एयर है, तो मजा आ जाता है, ब्यूटीफुल। तो चलें जी, ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।